नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने जो लास्ट बातें करी थी आप लोगों के साथ, वो सक्सेसफुल हो पाई है, मतलब वो सभी ठीक ठाक निकली है या नहीं निकली। दूसरी चीज कि हम आगे की तलाश करेंगे मार्केट की, कि आगे मार्केट कैसा रहेगा, क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं, और मतलब मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, ये सब चीजों की चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, जब मार्केट आपका 14,240 के आसपास आया था, यहाँ पर इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, और ये तारीख थी दोस्तों 25 मार्च, तब हमने आपको एक वीडियो बना के दी थी, ये वाली 26 मार्च के लिए, कि यहाँ पर एक डेड कैट बाउंस आने की पूरी पूरी संभावना है, और यहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। लाइव मार्केट में अपने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, डेड कैट बाउंस आएगा, और दोस्तों यहाँ पर मार्केट आप चेक कर सकते हो कि मार्केट जो है 25th को बाद, 25th के बाद मार्केट में डेड कैट बाउंस आया भी। तो दोस्तों, ये रेड कैट पाउंड से आया उसके बाद जब मैंने एक वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, अगर आप कंसिस्टेंटली मेरे टेलीग्राम चैनल को और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम सही तरीके से गाइडेंस जरूर मिल रही होगी। दोस्तों, जैसे ही रेड कैट बाउंस आया तो तुरंत मैंने अपने अगले दिन नेक्स्ट वीडियो बनाई, जो कि फ्राइडे को थी। दोस्तों, वो सिंपल सी वीडियो थी कि अब जो है बुल्स जो है वो छोड़ेंगे नहीं, अब बुल्स जो है मार्केट के अंदर वापिस आ चुके हैं और अब मार्केट बुलिश रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को जाकर चेक जरूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 14,700 का टारगेट दिया था, जो कि मेरा ट्यूसडे तक का टारगेट था, आज तक का 14,700 का टारगेट। दोस्तों, आज की लाइव मार्केट के अंदर मैंने आपको 14,750 तक के टारगेट दिए थे खुद से, और वो सुबह सुबह ही अचीव हो चुके थे। किसी कारण से मैं स्क्रीन के सामने नहीं रह पाया और आज जो है लाइव मार्केट में अवेलेबल नहीं था दोस्तों, लेकिन मैंने सुबह सुबह अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सबको बताया था कि आज का डाटा जो है बुलिश है, और साथ में डाटा बुलिश है तो आपको बाय ऑन डिप ही करना है। जिन भी इंसान ने बाय ऑन डिप किया होगा आज के दिन मार्केट के अंदर, उसको बेनिफिट ही पहुंचा होगा, और जिन लोगों ने हमारी एनालिसिस को फॉलो किया होगा, जो भी एनालिसिस हम पर डे बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, उसको भी फायदा पहुंचा होगा। इसलिए दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलती रहे मार्केट के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना। और दोस्तों, अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप या 1 लाख रुपीज वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तब भी आप कर सकते हो, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेंगे, आपको मेरे खुद के जो ट्रेड्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम आगे की तलाश करते हैं, देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई है। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों, वो चेक कर लेते हैं हम। तो क्लोजिंग जो यहाँ पे हुई है दोस्तों, वो हुई है 14,855 की, 14,845 की। दोस्तों, ये अभी अभी की क्लोजिंग है दोस्तों, और बहुत अच्छी क्लोजिंग मानते हैं इसको हम। क्यों? क्योंकि जो इसका हाई है 14,875, उसके आसपास, मतलब उससे 30 पॉइंट्स कम ही क्लोजिंग हुई है, और नीचे से आपका मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ तक, मतलब पूरा वन वे एक तरफा, मतलब मार्केट भागा है और जबरदस्त भागा है, और इसकी चर्चा जो है हम पहले ही कर रहे थे, पहले से ही, कि मार्केट ऐसे ही भागेगा। दोस्तों, ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आज की क्लोजिंग बड़ी अच्छी मिली है अपने को, और आप देखिएगा एक चीज इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अगर मैं इसको 1 आवर के ऊपर चार्ट को कर देता हूँ तो आपको मिलेगा देखने के लिए ये चीज। दोस्तों, आज की क्लोजिंग जो क्लोजिंग का डाटा है ना, वो भी बहुत ज्यादा ठीक ठीक ठाक है, मतलब बुलिश है वो भी, आप समझिए इस चीज को। ये देखिए दोस्तों, ये 1 आवर का चार्ट है दोस्तों, 1 आवर के चार्ट के ऊपर जब आप इस वाले हाई से मिला देंगे, तो आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है वो दिखेगा, इस वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन का आपको
ब्रेकआउट आपको आज ही होता हुआ दिखेगा। ये वाली ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही लेवल मेरे मैच किए मार्केट ने, जो 875 मैंने खुद के लिए निकाल के रखे हुए थे। हाँ, मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था जस्ट बिकॉज की थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन हमारी मार्केट ने हमारे लेवल्स को और हमारे जो बाय ऑन डिप वाले लोगों को प्रॉफिट जरूर दिया। दोस्तों, अब आगे जो हमारे लेवल निकले हैं, बच रहे हैं लेवल अचीव होने के लिए, इस हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं, तो दोस्तों वो लेवल ये रहेंगे कि आपका 875 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, कल को अगर गैप अप होता है या फिर 875 के ऊपर जो है मार्केट चला भी जाता है, दोस्तों यहाँ पर अगला लेवल जो रहेगा वो यही रहेगा। फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन का लेवल है, ये लेवल रहेगा अगला लेवल। और ये लेवल दोस्तों कहाँ पे निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है 15,050 का लेवल। कौन सा लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों? 15,050 का लेवल। 15,050 तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन 15,050 तो मैं नहीं बोलूंगा, इस हफ्ते में आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का आदमी हूँ, तो यहाँ पर मैं पहला लेवल जो है वो अब मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ दोस्तों, ये वाला हाई जो है, ठीक है, ये लेवल भी आपका 15,040 का ही निकल के आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर 875 के ऊपर मार्केट जाता है तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है 15,050 के आसपास का लेवल निकल के आएगा। लेकिन 15,050 से पहले 15,000 के ऊपर बहुत जबरदस्त कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो कॉल राइटर्स अपना थोड़ा बहुत 15,050 तक रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको तकरीबन 875 के बाद तकरीबन तकरीबन आपको 15,000 तक की रैली तो आराम से मिल जानी चाहिए, ये मेरा टारगेट पर्सनली है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो लोग यहाँ से बुलिश होते हुए आ रहे हैं तो उनको काफी अच्छा पॉइंट मिलेगा, काफी अच्छा क्या कहते हैं, एक पूरा का पूरा स्विंग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्विंग कवर करके हमने उस उनको दिया, जिन लोगों ने भी यहाँ पे हमको फॉलो किया, यहाँ से पूरा का पूरा स्विंग जो है यहाँ तक के लिए आपका रहेगा, मतलब अचीव हम कर लेंगे। और जो 1 लाख वाले लोग हैं वो उनको यहाँ पे रेगुलरली पुट सेलिंग करवाई जा रही है ताकि उनको रेगुलरली बेनिफिट हो, क्योंकि तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपसाइड का है। दोस्तों यहाँ पर अगला टारगेट जो मुझे दिख रहा है पर्सनली वो 15,040 15,050 के आसपास दिख रहा है। टाटा बुलिश है, 1 डे की कैंडल भी जो है वो भी बुलिश बनी है, और बहुत जबरदस्त आपकी क्लोजिंग भी हुई है। और मुझे पर्सनली दूसरी चीज ये भी है कि आज का जो क्लोजिंग का वॉल्यूम है, मतलब आज की जो 1 डे की वॉल्यूम है वो भी बहुत जबरदस्त बनी है, 594 के आसपास है दोस्तों, मतलब आप समझ लीजिए कि एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ बुल्स नाउ। एंड आई थिंक के 15,050 तक आराम से मार्केट इस हफ्ते की क्लोजिंग तक पहुंच जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आराम से मार्केट ये वाले टारगेट को, हमारे टारगेट को अचीव जरूर कर लेगा। लेकिन बुलिश तभी होइएगा जब 14,875 की मार्केट ऊपर निकले दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर जो है मैं ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपको फायदा हो समझने में कि मार्केट सिचुएशन कहाँ पे बुलिश कैसे दिख रही है मार्केट ओवरऑल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी होती हुई, एट द मनी के ऊपर जब आप आओगे तब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक 14,700 तक सारी की सारी पोजीशंस क्लोज कर दी गई हैं, और प्रीमियम भी ग्रीन है, साथ में पुट सेलर्स बहुत हैविली यहाँ पर आपके मार्केट को ऊपर लेके जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि सक्षम भी रहे हैं वो लोग, यानी कि ये ऑप्शन चेन पूरी की पूरी बुलिश है। दूसरी चीज, 15,000 के ऊपर बहुत जबरदस्त रेसिस्टेंस बैठा हुआ है, जिसकी चर्चा मैंने अभी 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 की भी है, आपको बताया भी है, तो मतलब 15,000 के आसपास जाकर ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी लॉन्ग साइड की पोजिशंस के अंदर, ये आपको समझना पड़ेगा। तो 15,000 तक का टारगेट यहाँ पर आराम से खुला हुआ है मार्केट के अंदर। 14,900 के ऊपर भी यहाँ पर आज फ्रेश पुट राइटिंग होके गई है, 14,800 के ऊपर भी यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग होके गई है। कॉल राइटर यहाँ पे उतने मजबूत नहीं है जितने यहाँ पे पुट राइटर्स मजबूत है। ओवरऑल ये ट्रेंड बुलिश ही है, और इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हमारी मार्केट ने हमको सही साबित किया भी है दोस्तों। फटाफट से हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ थोड़ा सा
चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी उतना ज्यादा बाउंस नहीं किया, मतलब उतना ज्यादा बुलिश नहीं हुआ है जितना एक्चुअली में परसेंटेज वाइज जो है निफ्टी बुलिश हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें भी बाय ऑन डिप करी होगी आपने भी, जैसे कि मैंने सुबह सुबह सजेस्ट किया था आपको, तो इसमें भी आपको बेनिफिट जरूर मिला होगा। दोस्तों अब इसको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा सिंपल तरीके से एक ट्रेंड निकल के आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से तरीके का एक ट्रेंड निकल के आ रहा है आपको। ये ट्रेंड लाइन जो है आप बना के रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 1 घंटे के ऊपर बना के रखिएगा दोस्तों यहाँ से, और ये जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ये ट्रेंड लाइन जो थी बेयरिश ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है। और मैंने आपको कल और परसों की वीडियो जो कि शुक्रवार को थी, मैंने आपको तुरंत बोल दिया था कि यहाँ पर मार्केट बुलिश है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जिन लोगों ने मेरी बात मानी होगी वो अच्छा बेनिफिट में रही होंगे। अब दोस्तों मार्केट जो है बुलिश है क्योंकि, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी अपने को जो कि मार्केट बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। ये वाली ट्रेंड लाइन बुलिश है जो क्योंकि, तो फिर इस वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है दोस्तों। और यहाँ पर जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, तो टारगेट दोस्तों यहाँ पर कम से कम पहला टारगेट जो आसानी से अचीव हो सकता है मार्केट में, बैंक निफ्टी की मार्केट में, वो है 34,340 का। कितना है? 34,300 का आसानी से अचीव हो सकता है दोस्तों अगले कुछ 2 दिनों के अंदर। मैं केवल इतना ही टारगेट लेके चल रहा हूँ, और अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर आपका अगला टारगेट जो निकल के आता है, कम से कम दोस्तों वो टारगेट निकल के आता है दोस्तों ये वाला दोस्तों 34,500 का। और फिर इसके बाद तो बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाएगी, स्पीड में मार्केट ऊपर जाएगी 34,700। लेकिन मैं इस वीक के लिए केवल ये टारगेट और ये टारगेट, दो टारगेट ही पर्सनल लेके चलूंगा। तो मेरा पर्सनल जो है वो दो टारगेट यही रहेंगे इस वीक के अंदर। काफी 2 दिन बचे हैं बस, छोटा वीक भी है इसलिए मैं छोटे टारगेट लेके चल रहा हूँ। मेरा 15,000 का टारगेट जो है वो आपका निफ्टी में है कम से कम। और दोस्तों 15,000 का टारगेट मैं निफ्टी के अंदर मैं लेके चल रहा हूँ गुरुवार तक एक्सपायरी तक। 34,300 34,400-35,000 का टारगेट में आराम से बैंक निफ्टी में लेकर चल रहा हूँ। तो ये दो टारगेट है बैंक निफ्टी के अंदर, ट्रेंड बुलिश ही है। बाय ऑन डिप जिसने किया होगा बेनिफिट मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में एक चीज लिखिएगा जो कि मुझे आपसे फीडबैक चाहिए। क्या आपको हमारा काम पसंद आ रहा है? क्या आपको रेगुलरली बेनिफिट मिल रहा है हमारे चैनल के ऊपर फॉलो करने से? ये जरूर आप बताइएगा लिख के। अगर मिल रहा है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उसकी लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको आराम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कोई टिप्स नहीं मिलेगी, आपको केवल और केवल गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में बुलिशनेस है या फिर बेयरिशनेस ऑन द बेसिस ऑफ डाटा पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय टूडे, एंड जो भी बुलिश था उसको बेनिफिट जरूर हुआ होगा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। थैंक यू।